हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन का प्राइस अपने उस लेवल के आसपास आ रहा है जहां से उसके लिए सिचुएशन बन जाती है डू और डाई की, और ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट भी फिलहाल पैनिक के माहौल के अंदर दिख रही है। तो क्या लगता है बिटकॉइन का, और बहुत सारे लोग हमसे मैटिक के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उसके टारगेट हो सकते हैं, क्या उसकी न्यूज़ है, और शिबा इनो के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और मैं उम्मीद करता हूं चैनल को तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट लेवल की। हम सबको पता है बिटकॉइन का अगर लास्ट वीकेंड देखते हैं वो बड़ा टेंशन भरा रहा, और हमने वहां पैनिक का माहौल देखा, और लगभग बिटकॉइन का प्राइस $57,000 से फिर $42,000 तक आ गया, और यही चीज लगातार लोग पैनिक हो रहे हैं, क्या यहां पे दोबारा आ सकता है। दोस्तों, इसको आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो तो जब ऐसी क्रैश होते हैं तो हमें फ्री फॉल देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो है ना ऑरेंज लाइन जो दिख रही है आपको, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि आता है लगभग, ये चेंज होता रहता है डेली, तो ये अभी फिलहाल आ रहा है $46,500 के आसपास, और $46,500 पे फिबोनाची के गोल्डन रेशियो की भी इसको यहां सपोर्ट मिल रही है। तो अगर टेक्निकली समझते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 46,000 से $46,500। अगर इसके ऊपर बना रहता है तो यहाँ पे आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज कर पाता है तो हो सकता है हमारी टेंशनें बढ़ें, हमारी मुश्किलें बढ़ें, और बिटकॉइन थोड़ा सा टेम्परेरीली नीचे आता हमें दिखे। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इस पर आपको नज़र रखनी है। अगर मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो हमने जैसा कि आपके साथ में शेयर किया था $51,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और वही आपको देखने को मिला, और आप देख सकते हो यहां इसको रेजिस्टेंस मिला। अभी अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यहां से क्विक बाउंस हमें दिखना चाहिए, और ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। यहां से क्विक बाउंस दिखता है तो क्या रेजिस्टेंस हो सकती है, पहली है $51,000 के आसपास, और एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग $54,000 से $55,000 के बीच में। अगर यहां पे दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं ये, क्योंकि 100 दिन का मूविंग एवरेज जब एक टाइम पे सपोर्ट बन के आता है, अगर उससे नीचे आता है तो वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और ये एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं होने वाला है, जो कि लगभग आता है $55,000। अगर इसके ऊपर कहानी बढ़ती है तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई लगाता दिखे। तो शॉर्ट टर्म में ये सब चीज़ों पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये तोड़ता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, और हो सकता है $40,000 से $42,000 के जोन में आए टेम्परेरीली। अगर आप सोच रहे हो कि ये बियर मोड के अंदर चला जाएगा या बियरिश हो जाएगा, हम इसको नहीं देखते हैं जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ता है और इसके नीचे नहीं जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप परेशान हो रहे हो, सिचुएशन को समझना चाहते हो शॉर्ट टर्म के अंदर, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से लेवल पे हमें एंट्री लेनी चाहिए या कहाँ पे बिटकॉइन के लिए डू और डाई की सिचुएशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं मैटिक की। बहुत सारे लोग हमसे मैटिक के बारे में पूछ रहे हैं, मैटिक के लिए लगातार न्यूज़ निकल के आ रही है, और एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है मैटिक के लिए कि उन्होंने एक्वायर किया है ZK रोलअप स्टार्टअप मीर प्रोटोकॉल, जो कि लगभग उन्होंने $400 मिलियन के अंदर बाय किया है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये एक इथेरियम स्केलिंग स्टार्टअप है, और यहां पे हम सबको पता है पॉलीगन की बात करें तो एडॉप्शन उसकी बढ़ रही है, और वो भी एक तरह से अच्छा खासा यूज केस निकल के आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमें फीस अगर इथेरियम से कंपेयर करते हैं तो काफी कम लग रही है। तो दोस्तों, अगर टेक्निकली बात करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको ऑल टाइम हाई, जो कि इसका लगभग $2.75 है, वो लगातार देख सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, अगर बिटकॉइन अगर थोड़ा नीचे जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट इसको लगभग $2 के आसपास मिलती है, लेकिन अगर आप न्यू एंट्री देख रहे हो तो हमारे हिसाब से $15 से लेकर $17 हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल हमसे लोग पूछते हैं, क्या ये $10 तक जा सकता है या $5 तक जा सकता है। दोस्तों, अगर मैं इसके पूरे चार्ट को देखता हूँ या जिस हिसाब से इसका यूज़ केस चलन बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये ऑल टाइम हाई तो हिट कर ही सकता है, लेकिन अगर उसके पार जाता है तो इसका टारगेट आप $4 तक तो कम से कम ले सकते हो। तो इसके अंदर पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड अगर बिटकॉइन कुछ गलत तरीके से नहीं रिएक्ट करता है और मार्केट यहाँ से रिकवर करती है। अगर बिटकॉइन यहाँ से जैसे डू और डाई सिचुएशन में आता है तो हो सकता है ये $1.5 तक
तक भी दोबारे से आ जाए। दोस्तों अगर शिबा इनू की बात करते हैं तो इसको जो इमीडिएट सपोर्ट है, आप एंट्री नहीं लेना चाहते हो तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं यूएसडीटी के अंदर बात कर रहा हूँ, 0.00003400। मैं INR के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, अगर INR में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 3000 के आसपास एक अच्छी एंट्री यहाँ बन सकती है आपके लिए, या आप कह सकते हो ये 3400 से 3000 के आसपास एक अच्छी एंट्री लेवल यहाँ देता है। अगर मैं इसके टारगेट की बात करता हूँ तो क्या टारगेट हो सकते हैं, अगर मैं इमीडिएट टारगेट की बात करता हूँ तो लगभग 4000 हो सकता है, यानी कि यहाँ से बाउंस कर सकता है 15-20%, और हाँ 20-25% का भी ये यहाँ प्रॉफिट आपको देके जा सकता है, और 5000 तक भी ये पहुँच सकता है अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है, ये जो सपोर्ट है और ये इंपॉर्टेंट एंट्री जोन आपके लिए हो सकता है। अगर यहाँ नहीं टिकता तो एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पे इसको लगभग 2500 से 2700 के आसपास मिलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और हाँ टेलीग्राम ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी अपडेट होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं, यहाँ कई बार मिस हो जाती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम का लिंक जो है @bitcoinexpertindia, ना कि कोई ऑफिशियल, ना कोई चैनल। अगर कोई हमारे नाम से स्कैम करता है या कोई आपको अप्रोच करता है किसी पेमेंट के लिए तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें अपना ऐसे ही लाइक्स के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से प्यार करते रहिए। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकमात्र आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।